अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। तो जी, ये है आज का व्लॉग। और जी, यहाँ पर देखें मेरे किचन में क्या हबड़ दबड़ मची हुई है। यहाँ पर जी मेरी बेटियाँ बना रही हैं मैक्रोनी। यूजुअली यहाँ पर जो ना, पिछली वीडियो भी मैंने अपने बेटे की दी थी, मेरे रेगुलर में वो कुकिंग नहीं करते, बस शौक क्या करते। तो आज बेटियाँ बना रही है यहाँ पर मैक्रोनी। तो ये देखें, इसमें प्याज टमाटर चिकन वगैरह डाल चुके हैं यहाँ पर। और वहाँ पर साथ में रोटियाँ बनेंगी। अभी ये स्पाइसेस डाल रही है और ये यहाँ पर बर्तन धो रही है साथ ही साथ, क्योंकि मेरा कहना होता है कि जो अपनी पसंदीदा चीज़ें बनाती हैं तो मैं इनसे कहती हूँ किचन भी खुद ही क्लीन करना होगा, बर्तन भी खुद ही धोने होंगे। तो ये इस वजह से लगी हुई है, पूरा किचन फैलाया हुआ है। यहाँ पर कटिंग करके इन लोगों ने कुछ रखा है। यहाँ पर बहुत सारी शिमला मिर्च है, पता नहीं ग्रीन चिली है शिमला मिर्च है, इनको स्पाइसी इतना पसंद है तो ये भी नहीं कह सकते कि ग्रीन चिली नहीं डाल सकते। चले आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी जब ये कंप्लीट हो जाएगी किस तरह से बनाती है। मोस्टली ये काफ़ी दफ़ा बना चुकी है, बहुत अच्छी बनती है, लेकिन देखें आज कैसी बनती है, चिपक जाती है, सेपरेट होती है। यहाँ पर देखें कि आटा गूंदा जा रहा है हमारा। ये आटा बड़ा हुआ है, ये इसमें सभी रोटियाँ बनाएंगी, क्योंकि दो तीन ही रोटियाँ बनेंगी। सालन बड़ा हुआ है तो ये आटा गूंद लिए सुबह के लिए। साथ ही साथ मशीन भी चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं। ये बस 20 मिनट के बाद ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर इसको निकाल कर सुखाएंगे, यानी कि ड्राई करने के लिए बाहर छोड़ के आएंगे। तो जी ये है इसका फाइनल लुक, इसमें देख सकते हैं लुक तो बहुत प्यारा आ रहा है, लेकिन खाकर देखते हैं तो किस तरह से बना है। उमर उमर मिर्च नहीं सीख रहे तो बहुत मजे की बनी है, इतनी स्पाइसी है और ऊपर से इसने हरी मिर्च जो ना पीसेस करके कोरिएंडर की तरह डाल दिए इसने। कहती बस खाने जैसी, लेकिन है बहुत स्पाइसी बनाई है इसने, लेकिन बहुत मज़े की बनी है। उम्र के हिसाब से नहीं है, उम्र नहीं खा सकता इसको, बहुत स्पाइसी है। उमर को ये खिला रही हूँ, यहाँ से चावल खिला रही हूँ उसको। ये चिकन जो है ना, इसको निकाल कर इसमें डालूंगी, थोड़ा सा ये स्पाइसी भी हो जाएंगे वाइट चावल, और वो खुशी से खा भी लेगा। वैसे भी उसको चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, इन सबको ज़्यादा चिकन पसंद है, सारे बच्चों को। चिकन जब पीस भी था इनमें पूरा सूरा है, नजर ही खून भी आ चुका। यहाँ पर मैं खिला रही हूँ उमर को खाना। उमर को खाना खिलाने के बाद फिर मैं कपड़े सुखा कर आ गई थी बाहर, और उसके बाद फिर बस बातें करते हुए टाइम गुजर जाता है, क्योंकि 12 तो हमें बज जाते हैं, सो यानी कि सो
12 बजे तक ही हम लोग सोते, उससे पहले तो कभी नहीं सोते, क्योंकि बच्चे ऐसे ही टाइम पे ऐसे पास पूरा दिन उनका बिजी गुजरता है, ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं और उसके बाद जो उनका होमवर्क वगैरह होता है उसमें टाइम गुजर जाता है, फिर जैसे फारिग शाम का टाइम होता है खाना पीना ये वो, उसके बाद जो ना इनका बस होता है गैदरिंग वगैरह, कज़न्स वगैरह इनका मिलना जुलना, क्योंकि जॉइंट फैमिली है हमारे यहाँ, तो फिर इनका इसी तरह से टाइम फिर गुजर जाता है। 12 बजे के बाद फिर हम सब सो जाते हैं, फिर सुबह 9 बजे तक उठ जाते हैं और यहाँ पर चल रहा है हमारा नाश्ता। नाश्ते में बस ऑमलेट बनाए थे और फिर बच्चों को ब्रेड के साथ दिए थे, और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। ये चिकन निकाला हुआ है, सोचा था कि बनाऊंगी लेकिन बनाया नहीं, और कुछ बर्तन पड़े हैं जो धोने हैं मुझे। यहाँ पर मौसम या उमर जो है ना यहाँ पर सुबह सुबह की सनलाइट को एंजॉय कर रहा है, और बैठा हुआ है बाहर, कोई इसके चाचू वगैरह आए हुए थे तो उनसे यहाँ पर। यहाँ पर बैठ कर मैं चाय पी रही हूँ, यहाँ से यहाँ पर मेरा सबके सामने सोफा पड़ा हुआ है, इस पर इतनी अच्छी हवा आ रही थी कि बैठ कर मज़ा आ रहा था, और साथ में टी वी देख रही थी, बेसिकली मैं इंजॉय हवा को कर रही थी। और यहाँ पर जी अब पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से आम का तो बस मज़ा ही होता है, तो यहाँ पर आम बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अभी जो है ना मैंने एक पेटी ये दो तीन दिन पहले आई हुई थी तो उसको मैंने अभी खोला है, तो अभी ये ना ज़्यादा फुल पकने के बजाय सूखड़ रहे हैं, तो मैंने इनको अभी मैंने कहा कि इसके स्टिकर उतार कर इनको वॉश करके फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े से ये ग्रीन नज़र आते हैं ना, फिर थोड़े ये खट्टे होते हैं, तो इसलिए रखे थे, लेकिन शायद ये सही नहीं हो रहे, मैंने कहा ये ख़राब हो जाएंगे, इसलिए इससे अच्छा है कि इनको फ्रिज में रख दें। देखिए जी ये कॉर्नर हमारा पूरा इसी तरह से पता नहीं क्या हुआ पड़ा है, जो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर पेटीज पड़ी हुई हैं आमों की, कुछ निकाल रहे हैं कुछ दोबारा उनको जो ना सेट करके, अभी इसको भी चेक करना है, जो पके हुए होंगे वो निकलेंगे वॉश करके फ्रिज में लगाएंगे, और फिर दूसरी जो है ना दूसरे जो आम होंगे उनको फिर बंद करके रख देंगे, तो इस वजह से ये कॉर्नर जो ना इस तरह से हुआ पड़ा है। यहाँ पर मैं वॉश करके जो ना आम उनको फ्रिज में रख दूँगी, और यहाँ पर चल रही है उमर की मस्ती। तो जी बस आज का व्लॉग मेरा यहाँ तक था, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों में रिश्तेदारों को शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।